जब YashDee लॉन्च हुआ था, हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बवाल मचाने वाली है। और पिछले एक साल में जिस रेट पे YashDee बाइक्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आई कैन से बॉस कि द किंग ऑफ द रोड इज ऑफिशियली बैक। आज हमारे पास है ये द YashDee रोडस्टर, YashDee की सिंगल सिलेंडर 300cc मोटरसाइकिल जो एक रेट्रो रोड बाइक सेगमेंट में आती है। और अगर हम वैसे देखा जाए तो उसमें आपको होंडा सीबी हाइनेस, बेनेली इम्पीरियल 400, रॉयल इनफील्ड के हंटर 350, क्लासिक 350 और बहुत सारे मोटरसाइकिल्स आते हैं इस सेगमेंट में जिसका इसको तगड़ा सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि वेल इज द किंग ऑफ द रोड रियली बैक। लेट्स फाइंड आउट। तो बात करते हैं सबसे अफोर्डेबल YashDee द रोडस्टर की डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में। अभी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, सो इट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट ब्लेंड बिटवीन, ऐसा मॉडर्न भी चाहिए और क्लासिक भी चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे लाइक द फिट फिनिश इज समथिंग आप मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में आप पाई जाती हैं, आपको एक मॉडर्न और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एट द सेम टाइम जो डिज़ाइन जो है क्लासिक डिज़ाइन है, स्प्लिट सीट्स हैं, क्रोम हाईलाइट्स हैं। और अगर आप देखोगे इन जनरल इट्स द आइकॉनिक YashDee सिलुएट। और हाईवे पे भी आप देखोगे इन्होंने ऐसा टाइटली कॉम्पैक्ट एक पैकेज करके रखा है इसमें कि आप देख सकते हो कि इंजन, रेडिएटर सब साथ में है। द वेट डिस्ट्रीब्यूशन डन इज क्वाइट गुड। और अगर आप देखोगे एक थोड़ा सा मस्क्यूलर फीलिंग मिलती है, और जब आप हाईवे पे जाओगे डेफिनेटली फील्स अ लॉट मोर प्लांटेड देन एनी अदर 300cc नेकेड्स। अच्छा, तो बात करते हैं इंजन के बारे में। आपको यहाँ पे मिलता है एक 334cc सिंगल सिलेंडर इंजन जो लगभग 30 हॉर्स पावर के आसपास बनाती है। अभी आप दूर से देखोगे तो आपको ये बहुत आइडेंटिकल दिखेगा जावा के इंजन के हिसाब से, बट इसका ब्लॉक जो है जो थोड़ा सा अलग है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको जो टॉर्क है, जो पंच चाहिए आपको इनिशियल RPM पे, वो बेटर मिलता है ये बाइक में। और अगर आप वो हिसाब से देखोगे तो सिटी में द परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, और जब आप हाईवे पे जाओगे आप लिटरली भगा सकते हो एंड इट मेक्स यू फील लाइक अ रोड किंग। तो दैट इज क्वाइट अ प्लस पॉइंट। रोडस्टर में ड्यूल क्रेडल चेसी है जिसे शानदार मनोबिलिटी के लिए ट्यून किया गया है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के साथ साथ जोरदार कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज आपको ड्यूअल फ्रेम चेसी में मिलता है जिसका अनुभव काफी मजेदार है। रोडस्टर भले ही एक क्रूजर की तरह दिखता है, ये रोडस्टर वके ट्विस्टी रोड्स में दूसरे लाइटर और एग्रेसिव मोटरसाइकिल्स को मुकाबला दे पाती है। एक बार जब आप इंजन का सारा पावर का इस्तेमाल करें तो आपको पूरे रेव रेंज में भरपूर टॉर्क मिलता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप एक कॉर्नर से बाहर निकलते हैं आपको 334cc का जो इंजन है उसका पूरा पावर, पूरा पोटेंशियल जो है फील हो जाता है। और कॉर्नर से बाहर निकलते ही जब वो रियर बहुत प्यार से और साफ तरीके से झुक जाता है तो बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। और हाँ, इन द एंड ये अभी भी एक क्रूजर मोटरसाइकिल है, और बड़े हाईवेज पर द रोडस्टर फील्स लाइक होम। और बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि हाईवे पे 30 km/h आराम से देती है, जो हमारे ख्याल से माइलेज और पावर का शक्तिशाली कॉम्बो है। अब ये बात, 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक से जोड़ें, आपके पास एक क्रूजर है जो आपको कंफर्ट और एफिशिएंसी और स्टाइल के साथ रोड ट्रिप में मदद कर सकता है। ब्रेकिंग ड्यूटीज को कॉन्टिनेंटल ड्यूअल चैनल ABS द्वारा मैनेज किया जाता है जिसे क्लास लीडिंग टेक मिलता है, और फ्रंट डिस्क का ब्रेकिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतरीन है। फ्रंट लीवर एडजस्टमेंट भी है, लेकिन फील के मामले में फ्रंट डिस्क काफी प्रोग्रेसिव और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। YashDee रोडस्टर 7 कलर्स में अवेलेबल है, बोथ डार्क और क्रोम थीम्स में आपको काफी सारी वैरायटी मिलती है। स्मोक ग्रे, स्टील ब्लू, हंटर ग्रीन, गैलेंट ग्रे, सिन सिल्वर और न्यूली लॉन्च्ड इन्फर्नो रेड एंड ग्लेशियल व्हाइट। तो आपको ये सब तो पता चल गया। अभी मुद्दे की बात ये है कि जब आप गाड़ी पे बैठते हो तो कैसा फील होता है। तो अगर आप देख सकते हो मेरा हाइट है कम से कम 5 फीट 6,
और वो हिसाब से द राइडिंग पोजिशन इज एक्चुअली क्वाइट न्यूट्रल. आप देख सकते हो कि इट सिट्स लाइक अ रोड बाइक बट द सीट इज मोर ऑफ लाइक अ क्रूजर. तो आप कंफर्टेबली रिलैक्स होके बैठ सकते हो, या फिर आपको एग्रेसिव चलाना है तो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज जो हैंडल बार है ना ही ज़्यादा ऊंचा है ना ही ज़्यादा लो है, एकदम बीच में है, अच्छा है. और वो छोड़ के अभी हम लोग राइडिंग डायनामिक्स की बात कर रहे तो क्वाइट सॉर्टेड गाड़ी है एक्चुअली. डबल क्रेडल चेसी मिलती है, सस्पेंशन इज क्वाइट यूजफुल एक्चुअली. 29 डिग्रीज का रेक एंगल है आगे आपको. बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि सीधा आपका व्हील बेस जो है स्लाइटली लॉन्गर है. बिकॉज ऑफ दैट अगेन आपको जो है हाईवे पे स्टेबिलिटी जो है बहुत सही मिल रही है, बट दैट इज़ नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ योर कॉर्नरिंग एबिलिटीज. तो ये गाड़ी जो है अगर आपको कभी घाट्स पे जाना हो या फिर वीकेंड राइड्स पे कहीं आपको कॉर्नर्स के लिए जाना पड़े तो आप लेके जा सकते हो. क्वाइट गुड हैंडलिंग मोटरसाइकिल है. और अगर आप वो हिसाब से भी देखोगे आपको कहीं पे भी जाना है जैसा भी जाना है, आपको कभी लगेगा नहीं कि आप एक क्रूजर चला रहे हो, यू आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल आउट ऑफ इट्स एलिमेंट. कहीं पे भी आप चलाओगे यू विल फील कंफर्टेबल. सो अल्टीमेटली अगर आप एक वेल राउंडेड मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत वो सब कुछ अच्छी तरह से कर सके तो द यजडी रोस्टर इज अ वेरी गुड पिक फॉर यू. एंड ऑल्सो माइंड यू इसमें सेगमेंट बेस्ट ब्रेक्स है फ्रॉम बाइब्रे, तो इमीडिएटली रुकते हैं. ABS भी सही सही से काम करता है, सो दैट सेफ्टी नेट इज क्वाइट अश्योरिंग. और अगेन जैसे मैंने आपको बोला है हैंडलिंग भी सही है, द डायनामिक्स आर ऑल्सो गुड. तो ऐसे बहुत सारे रेट्रो मॉडर्न मोटरसाइकिल्स जो हैं थोड़ा सा ये होता है तो वो नहीं होता है, तो इसमें वो बैलेंस बहुत अच्छा है. तो आप देख लीजिए ESD के डीलर्स और सर्विस नेटवर्क जो है ऑल ओवर द कंट्री क्वाइट अच्छी तरह से स्प्रेड आउट हैं, तो आपको सपोर्ट स्पेस जो भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे. एंड वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. आज ही आपके सबसे करीबी ESD डीलरशिप पे जाइए, एक रोड टेस्ट ले लीजिए और देख लीजिए आपको सही लगे कि नहीं. एंड इफ एवरीथिंग इज वेल एंड गुड माइट एज वेल बुक वन फॉर यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. आप प्लीज़ बता दीजिए कमेंट्स में कि आपको ESD रोडस्टर अच्छी लगी या नहीं, या फिर आपको स्क्रैम्बलर या एडवेंचर ज़्यादा प्रेफरेबल हो, या फिर आप कोई दूसरा मोटरसाइकिल प्रेफर करेंगे. प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. अंटिल देन दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. चाओ.